इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। पंचायत चुनाव का माहौल अब शिद्दत इख्तियार करने लगा है। कई जगहों पर बिला मुकाबले के ही उम्मीदवारों की जीत दर्ज की जा रही है, तो कुछ जगहों पर उम्मीदवारों को कांग्रेस, भाजपा, जेडीएस और दीगर पार्टियों की हिमायत भी हासिल हो रही है। किसी पार्टी निशान पर चुनाव तो नहीं लड़े जा रहे, पर पार्टी की हिमायत बहरहाल हासिल है। लिहाजा अब सियासी मुकाबला कुछ जगहों पर जानलेवा भी साबित हो रहा है। इसी तरह का वाकया यमकनमर्डी गाँव में हुआ है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पिस्तौल से फायरिंग कर दो कांग्रेस कारकुनान को शदीद जख्मी किया गया। इस जानलेवा हमले पर सतीश जारकीवाले ने अफसोस जताया है, जिसमें दो अफराद जिनके नाम किरण राजपूत और भरमा दुबदाल है, दोनों भी कांग्रेस के कारकुन है, हमले में शदीद जख्मी है, जिन्हें फौरन अस्पताल में दाखिल किया गया। दोनों जेर इलाज है, दोनों खतरे से बाहर होने की बात कही जा रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक यमकनमर्डी हलके में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जारी हैं। यह हल्का कांग्रेस रियासती सदर और MLA सतीश जारकीवाली का है। जख्मी अफराद भी कांग्रेस कारकुनान होने की बात कही जा रही है। फायरिंग पंचायत चुनाव के मद्देनजर ही हुई है, ऐसा कईयों का कहना है। पिस्तौल से फायरिंग में कांग्रेस कारकुनान जख्मी होने पर यमकनमर्डी क्षेत्र के MLA सतीश जारकीवाली ने अफसोसनाक कहते हुए मुजरिमों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले के बाद पुलिस महकमा भी दाखिल हुआ और तहकीक भी जारी की। यह भी कहा जा रहा है कि राजू नामी किसी शख्स ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके गिरफ्तारी की कोई खबर अब तक हासिल नहीं हुई। राजू नाम का शख्स भी किसी बड़ी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने की बात कही जा रही है। सियासी तहफ्फुज भी हासिल है, यानी कि बड़े लीडरों के साथ इसका राबते हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर ही फायरिंग हुई है या कोई और वजह, इस पर भी तवज्जो की जा रही है। पर इस फायरिंग ने कई सवाल खड़े किए। आखिर पंचायत चुनाव में पिस्टल जैसे हथियारों का इस्तेमाल होने से आवाम में डर खौफ का माहौल देखा जा रहा है। अब इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि जल्द मुजरिमों को जेर हिरासत लेकर कानूनी शिकंजा कसे, भले ही वो किसी बड़े सियासी पार्टी के लीडरों के खास बंदे ही क्यों ना हो। कांग्रेस के जिम्मेदारों ने भी यही कहा है कि पुलिस से जल्द गिरफ्तार कर आवाम के भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी निभाए। किसानों का एहतजाज जारी है, पर इस एहतजाज से बेलगाम बाजार पर भी काफ़ी असर हो रहा है। खसूसी तौर पर बेलगाम के नतरालू, आलू, प्याज दिल्ली या उत्तर भारत में भेज दिए जाते हैं, APMC बेलगाम से नहीं जा रहे। लिहाजा बेलगाम APMC पर एहतजाज का असर बड़े पैमाने पर हो रहा है। बेलगाम से नतरालू और दीगर चीज़ें हरियाणा, दिल्ली भेज दिए जाते हैं, जो अब तकरीबन ठप हो चुका है, जिससे बेलगाम और अतराफ के किसान परेशानी में मुब्तला है। मकामी किसानों को भी दिल्ली के एहतजाज से काफ़ी घाटा उठाना पड़ रहा है। खासकर नतरालू दीगर रियासतों में बड़े पैमाने पर बेलगाम से भेजने का काम मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। अगर किसानों का एहतजाज और इसी तरह तवील होता है तो मजीद दिक्कतों का सामना बेलगाम और अतराफ के किसानों को करना पड़ सकता है। कॉलेजेस को तो शुरू किया गया, पर अभी भी तलबाओं की तादाद 50% से भी कम दिखाई दे रही है। एक महीने से भी ज्यादा अरसा हुआ कॉलेजेस को शुरू है, पर कोरोना का डर अभी दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर स्कूलों को शुरू करने का मुतालबा भी जारी है। कोरोना का असर कम जरूर हुआ है, पर कुछ वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, लिहाजा विद्यागम को फिर से शुरू करने का फैसला रियासत की जानिब से लिया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक बच्चों को स्कूल में क्लासरूम की बजाय स्कूल के मैदान में बिठाने का और कोरोना के मद्देनजर साफ सफाई पर तवज्जो की हिदायत दी गई है। इससे पहले भी कोरोना में विद्यागम को शुरू किया गया था, पर बच्चों और असातिज़ा को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से वक्ती तौर पर इस पर रोक लगा दी गई थी। पर अब नए जाब्ते उसूलों के साथ विद्यागम को शुरू करने का फैसला कर्नाटक रियासत की जानिब से लिया गया। 1 जनवरी से विद्यागम के तहत स्कूलों को शुरू किया जाएगा। आधा दिन स्कूल जारी रहेगा, पर मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को सिखाया जाएगा। बच्चे अगर ज्यादा भी हैं तो इन्हें छोटे छोटे हल्के बनाकर सिखाया जाएगा। क्लासेस का वक्त 45 मिनट का होगा। प्राइमरी और हाई स्कूल के इयाते में इसी बहाने फिर से बच्चों की चहल पहल होगी। 1 जनवरी से विद्यागम के तहत ही सही पर स्कूलों को शुरू करने का फैसला लिया गया, जिसका इंतजार काफी दिनों से वालिदैन को और बच्चों को भी था। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए। तहे दिल शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।